नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रबाला सिंह। मैं वाराणसी घूमने आई हूँ। ये जो लाइटें लगी हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और 15 अगस्त आने वाला है, हर जगह तिरंगा लगा है, लाइटें भी लगी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। काशी कैसा लग रहा है? काशी घूमने आप आई हैं, काशी कैसा लग रहा है इस समय? काशी बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं घूमने आई हूँ। विश्व में 75वां अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, जगह जगह पे जो है ना लाइटें लगी हैं। बहुत अच्छा भी लगी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और तिरंगा है, जो लाइटें सब लगी है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी अपना परिचय बता दो। शिवानंद राय, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, वाराणसी। शिवानंद जी, भारत जो है 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में कहा जाए तो काशी जो है गंगा जमुनी की तहजीब मानी जाती है और यहाँ से एक संदेश भी निकल के जाता है। लेकिन आज काशी की अलौकिक छटा देखने को मिल रही है। हर घर तिरंगा और हर जगह पे कहा जाए तो सुंदर लाइटों से जो है सजाया गया है। क्या कहना चाहेंगे? काशी की जो सजावट है, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के जो लोकप्रिय सांसद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा का एक अभियान चला है, और उसी अभियान के तहत यहाँ का जिला प्रशासन भी चौराहों की सजावट और जो भी सरकारी बिल्डिंगें हैं उनकी तिरंगे के कलर की लाइटों से सजावट, और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल कार्यकर्ताओं के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाना, और आज के वर्तमान समय की बात की जाए तो काशी के चौराहे से लेकर के घाट तक और हर गली तक माननीय मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा लहरा रहा है, और चट्टी चौराहे जितने भी हैं सभी तिरंगामय लाइटिंग से सजे हुए हैं। जो तिरंगामय होने के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हम लोग हर वर्ष 15 अगस्त मनाते थे, लेकिन इस बार का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से मुझको लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हर घर पे तिरंगा लहराएगा और हम सभी लोग ऐसे अद्भुत दृश्य के साक्षी बन रहे हैं। तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से बधाई भी देता हूं और धन्यवाद देता हूं। जी अपना परिचय बताएं। इंद्रजीत गुप्ता, अखिल भारतीय वैश्यकता संघ, महानगर अध्यक्ष। इंद्रजीत जी, कहा जाए तो देश जो है 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है जी। ऐसे में जो कहा जाए तो काशी जो गंगा जमुनी की तहजीब भी मानी जाती है और यहाँ से एक संदेश भी निकल के जाता है, तो ऐसे में आज कहा जाए तो पूरी काशी जो है लाइटों से सजाई गई है, हर तरफ जो है तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? काशी पूरा तिरंगामय हो गया, मैं देखा हूँ, और बहुत सौभाग्य की बात है कि ये 75 वर्ष के बाद जो हमारा काशी का दर्शन हो रहा है इस तरह तिरंगामय होकर के, आज तक कभी हुआ नहीं था। तो हम बड़े काशीवासी भी सौभाग्य है कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री ने इस बात पर ध्यान दिया और हमारे पूरे काशी को दुल्हन जैसा तिरंगे से सजा रखा है। ऐसे प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, मेरा नाम अंशुमान सिंह है, मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। अंशुमान जी, अभी जो कहा जाए कि 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जैसे में कहा जाए तो हर घर तिरंगा जी, और आज जो है लाइटिंग जो है ना काशी में जो है अलौकिक छटा बिखर रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा माहौल है इस समय, हर जगह जोश और उल्लास का माहौल है। पूरे बनारस में जो लाइटिंग की गई तिरंगे वाली, बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर लग रहा है हम लोगों को। और क्या है कि आज़ादी का 75वां ये दिवस है, तो बहुत अच्छे से मनाया भी जा रहा है और मनाना भी चाहिए। और लेकिन बस बात यह है कि जितने भी वर्ष हों, हमारे आज़ादी के जो वर्ष हैं सारे ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। 70, 71, 72, 73, 74, 75, आगे 76 भी इतना इम्पोर्टेंट हो, और ऐसा हर साल में को देखने को मिले, 2-3 दिन हम लोग को मिले, बहुत ही अच्छा लगेगा इस बार। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।